नमस्कार, मैं हूं मुक्ता सिंह और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि शराब घोटाले में कौन कौन से लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। कल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, कल उन्हें ईडी ने अरेस्ट किया है। अब हम आपको दिखाते हैं कि पिछले साल फरवरी महीने में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई थी। उसके बाद संजय सिंह, जिन्हें अक्टूबर महीने में गिरफ्तार किया गया था पिछले साल, जो कि राज्यसभा सांसद हैं, साथ ही दो कारोबारी विजय नायर और दिनेश अरोड़ा को भी इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। पिछले हफ्ते आप देख सकते हैं एमएलसी के कविता को ईडी दिल्ली लेकर आई है। तो अभी हमने आपको बताया कि दिल्ली के शराब घोटाले में अभी तक कौन कौन गिरफ्तार किया जा चुका है। दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया गया है। इस मामले में अब तक दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को पहले ही अरेस्ट कर चुकी है ईडी। ये दोनों नेता अभी भी जेल में है। इस मामले में अब तक 14 लोगों को अरेस्ट कर जेल भेजा जा चुका है। दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर 2021 को नई आबकारी नीति लागू की थी। इसके बाद आम आदमी पार्टी की सरकार ने सरकार के राजस्व में इजाफा होने का दावा किया था। आरोप है कि इस नई नीति के तहत शराब कारोबारियों को अनुचित तरीके से फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई। आरोप था कि इस नीति से 144 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। 26 फरवरी 2023 को ईडी ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया था। अक्टूबर 2023 में संजय सिंह को भी इस मामले में अरेस्ट किया गया। कई और लोगों को अरेस्ट किया गया जिसमें लगभग सभी को जमानत मिल गई, लेकिन मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को जमानत नहीं मिल सकी। अब अरविंद केजरीवाल को भी अरेस्ट कर लिया गया है। इस मामले में दो शराब कारोबारी दिनेश अरोड़ा और विजय नायर भी गिरफ्तार किए गए थे। इन सभी से हुई पूछताछ में मिले सबूत केजरीवाल की गिरफ्तारी का आधार बने हैं। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।